मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा का किसान बागवानी को अपनाकर निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिनका लाभ उठाकर सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान जितेंद्र सिंह हैं, जो रोहतक जिले के गांव सिंहपुरा में कई साल से बागवानी कर रहे हैं। किसान जितेंद्र सिंह बताते हैं कि पहले वो परंपरागत खेती करते थे, जिसमें मुनाफा काफी कम होता था। इसके बाद उन्होंने बागवानी को अपनाया और अमरूद का बाग लगाया, जिसमें आज उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने करीब 2 साल पहले लाइसेंस लेकर नर्सरी को शुरू किया, जिसमें वो अपने बाग के पौधों की ग्राफ्टिंग भी तैयार करते हैं। मैं जितेंद्र कुमार जी और सिंहपुरा गांव निवासी, और 4 साल पहले मैंने बाग लगाया था और ईव मैंने नर्सरी 2 साल से मैंने नर्सरी का लाइसेंस ले रखा है और मैं खुद अपने पेड़ों की भी खुद ग्राफ्टिंग करवाता हूँ। उससे पहले जी धान गेहूँ की खेती करता था, उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता था, जमीन जो है कि बर्बाद होती, क्यों आके उसमें नारा जहर पड़े, सारे जो जमीन के कीटाणु हैं वो खत्म हो गए। बागवानी अपनाने के लिए किसान जितेंद्र सिंह को उनके पड़ोसी किसान से प्रेरणा मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अमरूद का बाग लगाया, जिससे आज उनकी कमाई कई गुना बढ़ गई है। ये साथ में बाग था जी मेरे, साथ में उन्होंने 15-20 साल पहले लाया था, तो मैंने देखा भैया तो खूब मुनाफा कमा रहे, मैं भी क्यों नहीं मुनाफा कमाऊं, तो मैं बागवानी तो जुड़िया जी। बागवानी तो फिर मैंने पहले बाग लगाया, बाग लगाने के बाद फिर मैंने नर्सरी का लाइसेंस लिया। जितनी भी मतलब स्कीम थी बागवानी तक जुड़कर मैंने वे सारी स्कीम का फायदा उठाया। प्रगतिशील किसान जितेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा की मनोहर सरकार बाग लगाने पर 43,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिससे किसान भाइयों को काफी फायदा मिल रहा है। बाग पर सरकार द्वारा जी मैंने तो लगाया उस टाइम तो था 4600 रुपए, लेकिन ईब की या जो सरकार भाजपा सरकार है इसने 43,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया। इसका सारा ही फायदा है जी, हम लगता तो दूसरी खेती करा बीच में का और पेडे सरकार के पीछे के लाग गिर, सरकार के पीछे मत हमने रुपया भी बचा है, और फिर 10 साल अगले 10,000 अगले साल और 10,000 अगले साल 3 साल तक पैसे दे सरकार। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो अमरूद के बाग में खाली जगह पर ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे उन्हें डबल मुनाफा होता है। एक्स्ट्रा मैं नीचे अपनी चारे की फसल या ऑर्गेनिक सब्जी करता हूँ और सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है। अगर कोई भी भाई धान नहीं लगा होगा तो 7,000 तो वह एक्स्ट्रा उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ अपनी, और 43,000 रुपये बाग पर प्रति एकड़, तो 50,000 रुपये तो सरकार दे रही है हमारे को, वो दे लगने सारे 12,000 के, बाकी पैसा तो जमींदार ने बचना है। प्रगतिशील किसान जितेंद्र सिंह बताते हैं कि परंपरागत खेती और बागवानी में काफी अंतर है, क्योंकि परंपरागत खेती में बहुत कम बचत होती है, जबकि बागवानी में ज्यादा कमाई होती है और ज्यादा बचत होती है। जैसा आपने बताया पहले आप गेहूं और धान की खेती करते थे, लेकिन अब जिस तरह से अमरूद का बाग लगाया है, तो दोनों में फर्क कितना देखते हैं? दिन रात का फर्क है जी, उसमें तो कुछ नहीं बचता, अरे इसमें डेली की कमाई है, अगर मेरी 20 करेट भी गई तो 20,000 का माल मेरा डेली गया, महीने में 6 लाख रुपये कमा लिए। मतलब दिन रात का फर्क है? हाँ, दिन रात का बहुत ज्यादा। अच्छा, इसको लेकर सरकार सब्सिडी भी दे रही है? हाँ, सब्सिडी दे रही है जी, 50,000 रुपये सब्सिडी दे अगर कोई धान ना लगाओ तो। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से बागवानी के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो बिल्कुल फ्री होती है। वहीं बागवानी विभाग के डॉक्टर्स और कर्मचारी उनके खेतों में आकर जायजा लेते हैं। इसी के साथ ही खेती बाड़ी में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अच्छा, इसको लेकर ट्रेनिंग दिया जाता है? हाँ, ट्रेनिंग दिए हैं। ट्रेनिंग पर आना जाना फ्री, 3 दिन का रुकना फ्री, और साथ में कुछ पैसे भी दे हैं।
अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर की बात करे या अधिकारियों की बात करे तो खेतों में वो आके, हाँ खेतों में भी आके जी खुद संभाल के जा है। महीने में दो चक्कर तो आराम से दो तीन चक्कर लगा दे। अच्छा, दवाई वगैरह? दवाई वगैरह भी सब्सिडी, वो बताओगे तो सब्सिडी पर मिला। वहीं प्रगतिशील किसान जितेंद्र सिंह ने बताया कि अमरूद का पेड़ चौथे साल फल देना शुरू कर देता है और सालाना प्रति एकड़ 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। इस तरह से आपने कहा कि एक एकड़ पे 50,000 सरकार सब्सिडी दे रही है, हाँ। उसके बाद एक एकड़ पे अगर लागत की बात करें और फिर कितना मुनाफा होता है? लागत तो जी उस एक एकड़ पे सारा 14,000 का खर्चा आना, बाकी सारे जमींदार ने पैसे बचने हैं। एक साल में एक एकड़ से कितना कमा लेते हैं? एक एकड़ तो साल में अमरूद की कमाई नहीं मान के चलो 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये कमा ले हम चौथे साल। मतलब काफी फायदा है? खूब फायदा है जी। वहीं उन्होंने बताया कि बिक्री में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं आती क्योंकि उनके बाग से ही अमरूद की बिक्री हो जाती है और बिक्री के लिए उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ता। इसकी बिक्री कहाँ करते हैं आप लोग? बिक्री हमारी यहीं पर होती है जी खेत में, नहीं तो हम फल मंडी में लेकर जाते हैं अपना सारा सेक्टर में था और स्कूल में था मास्टरनी और मेरे गाँव में था, मतलब सारा हमारा यहीं था। हमारे पता डिमांड लोग आगे पूरी को नहीं होती। मतलब बिक्री में कोई समस्या ना? बिक्री में कोई समस्या नहीं जी, इशार सफेदा और इशार सुरखा लगाओ, बिक्री में कोई भी समस्या नहीं। प्रगतिशील किसान जितेंद्र सिंह ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा, बागवानी को अपनाएं और अपनी आमदनी कई गुना बढ़ाएं। अच्छा, और किसानों को क्या कहेंगे? और किसानों को मैं यही कहना चाहूंगा भाई साहब, कुआर होना था मारे की तरह बागवानी था जोड़ो, डबल के भी 3 गुना फायदा है। अच्छा, सरकार जो कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है तो क्या सही में हो रही है? सही में हो रही है जी, किसानों की तो 4 गुना हो को काम करनी हो तो खाद बीज पे भी सब्सिडी है और जो हम सब्सिडी जो हम सब्जी बो वहाँ सब्जी पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ठीक है। ओनियन स्टोरेज बनवा रही है उस पर भी सब्सिडी है, पैक हाउस है उस पर भी सब्सिडी है और बढ़िया हमारे बागवानी वाले सर DHO HDO खूब ये मदद करें जी, बार बार ये संभाल के जा है और सरकार भी हमारी खूब मदद कर रही है और किसानों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है अगर भाई बागवानी तो जोड़ो, जिस भाई ने पैसा कमाना है और साहूकार होना है। अच्छा, कुल कितनी एकड़ में करते हैं आप? 5 एकड़ में लगा रखा है जी, मैं 5 एकड़ से न्यू मान के चल लो 18-20 लाख रुपया मैं सालाना आराम से कमा लेता हूँ। किसान जितेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार की नीतियों और योजनाओं से सूबे का किसान काफी खुश है क्योंकि प्रदेश सरकार किसानों के लिए निरंतर सराहनीय काम कर रही है जिससे किसान खुशहाल बनता जा रहा है। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा भी सरकार का बहुत बड़ा काम कर रखा है सरकार ने, बागवानी पे इतनी सब्सिडी देने लग रही जमा किसान उभारा है, नीचे थोड़ी ना ले जाए, किसान को ऊपर उठाओ सरकार तो करनिया हो। अच्छा, सरकार की जो योजनाएं हैं जो सब्सिडी है आज के दिन किसान उससे कितना खुश है? हम तो खुश हैं जी, बहुत देरी है। वहीं बागवानी विभाग की ओर से नर्सरी शुरू करने के लिए अहम योजना चलाई जा रही है जिसकी जानकारी रोहतक जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने दी। मैं जिला उद्यान अधिकारी रोहतक डॉक्टर कमल सैनी आज आपके बीच में बागवानी विभाग की सौजन्य से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम किसान भाइयों के लिए चलाई जाती है नर्सरी के संदर्भ में। तो नर्सरी आमतौर पर जैसे हम देखते हैं भाई फलदार पौधों की भी होती है और सब्जियों की भी होती है, तो दोनों प्रकार की जो नर्सरियाँ हैं उनके ऊपर विभाग की तरफ से स्कीम है। सबसे पहले जो फलदार पौधों की, कोई भी जैसे बाग वहाँ है जो बाग जिसके पास है किसान भाई के पास है, तो वो नर्सरी का यदि कार्य करना चाहता है तो नर्सरी की एक बहुत अच्छी स्कीम है। एक तो जैसे कोई भी पुराना बाग है यदि उसके पास मदर ब्लॉक है अपना, तो वो उसके संदर्भ में पौधे तैयार करके विभाग से लाइसेंस ले सकता है, जो लाइसेंस के आधार पर जो वो अपना एक बढ़िया नर्सरी का जो व्यवसाय है वो कर सकता है और ऐसा किसान कर भी रहे हैं हरियाणा में। काफ़ी लगभग हर जिले में दो दो तीन तीन नर्सरियाँ हैं आज जो विभाग से और NHB से अप्रूव्ड हैं और जो अपना अच्छा बिजनेस जिन्होंने सेटअप कर रखा है।
वहीं उन्होंने बताया कि लघु नर्सरी शुरू करने के लिए भी किसानों को अनुदान राशि दी जाती है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। इसके साथ साथ विभाग की तरफ से वित्तीय सहायता भी नर्सरियों पर दी जाती है। इसमें एक लघु नर्सरी की स्कीम है विभाग की तरफ से, जिसमें 2.5 एकड़ कम से कम क्षेत्र में यदि किसान भाई फलदार पौधों की नर्सरी करता है, उसमें एक फसल के कम 25,000 पौधे उसने तैयार करने होते हैं, और ये 15 लाख के आसपास की इस पर उत्पादन लागत जैसे विभाग की दिशा निर्देशों में आती है, और इस पर 50% के हिसाब से 7.5 लाख रुपये की किसान को वित्तीय सहायता मिलती है। इसमें जो नर्सरी के जो कंपोनेंट होते हैं वो किसान को विभाग की गाइडलाइन अनुसार करने होते हैं, जैसे पौधों की हार्डनिंग के लिए जैसे उसने एक पोली हाउस नेट हाउस लगाना होता है, सोयल को जैसे कीटाणु रहित करने के लिए सोलराइजेशन का वो एक सिस्टम बनाना होता है, नर्सरी के लिए जो रखरखाव का जो एक जैसे स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं पैक हाउस वो उसने बनाना होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं विभाग के गाइडलाइन अनुसार वो सारी चीज़ें उसने करनी होती हैं, और ये 15 लाख की यूनिट है लघु नर्सरी की, जिस पर किसान पर ऐसे 50% के हिसाब से 7.5 लाख रुपए का अनुदान विभाग से ले सकता है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि हाईटेक नर्सरी शुरू करने के लिए भी किसानों को 40% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके साथ साथ नर्सरी के अंदर ही दूसरी एक हाईटेक नर्सरी की एक स्कीम है डिपार्टमेंट की तरफ से, ये लगभग 1 करोड़ के आसपास की स्कीम है, और इस पे 40% के हिसाब से 40 लाख रुपए के आसपास किसान को इस पर सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें भी नर्सरी हाईटेक नर्सरी होती है, इसमें जो भी सारी की सारी जो हाईटेक जो तकनीक है वो किसान को लगाने होते हैं, जैसे पोली नेट हाउस हो गया, ड्रिप हो गया, जो सिंचाई के लिए जो सिस्टम होता है वो सारे के सारे जो तकनीकी जो मद हैं वो सारे नर्सरी के इसमें किसान को लगाने होते हैं, और इस पर किसान 40 लाख रुपए तक का अनुदान विभाग की तरफ से ले सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस किसान भाई के पास पहले से नर्सरी है उसको उन्नत बनाने के लिए भी 50% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके अलावा यदि कोई पहले से किसी किसान भाई ने नर्सरी बना रखी है, ऑलरेडी विद्यमान नर्सरी है, उस नर्सरी को उन्नत बनाने के लिए हाईटेक बनाने के लिए विभाग की तरफ से लगभग 10 लाख रुपए की कॉस्टिंग है, और इस पे भी 10 लाख रुपए की कॉस्टिंग के हिसाब से 50% के हिसाब से 5 लाख रुपए तक का विभाग की तरफ से नर्सरी के ढांचे पर जो पहले से नर्सरी है उसको हाईटेक में तब्दील करे तो किसान भाई 5 लाख रुपए तक विभाग की तरफ से मदद का प्रावधान है। इसके अलावा कोई जैसे आजकल टिश्यू कल्चर का ट्रेंड है, जिससे लैब के अंदर पौधे तैयार होते हैं टिश्यू कल्चर, जिसमें आमतौर पर केले के पौधे हम देखते हैं, स्ट्रॉबेरी के पौधे देखते हैं, तो आजकल आलू के अंदर टेक्निक आ गई टिश्यू कल्चर से आलू के जैसे पौधे तैयार होने लगे, तो इसमें टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसको एक व्यवसाय के तौर पर एक नर्सरी के माध्यम से किसान भाई इसका काम शुरू कर सकते हैं। तो ये जो टिश्यू कल्चर की तकनीक है ये 20 लाख रुपए की यूनिट है, और इस पर भी 50% के हिसाब से 10 लाख रुपए प्रति यूनिट का प्रावधान है अनुदान का विभाग की तरफ से हरियाणा सरकार के सौजन्य से। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी बताते हैं कि फल और सब्जियों के बीजों को तैयार करने का काम करने के लिए किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों की लागत आधी हो जाती है। इसके अलावा कोई भी जैसे बीज सीड से आधारित बड़ा ढांचा अगर कोई किसान भाई लगाना चाहता है, जिसको हम बीज का आधारभूत संरचना बोलते हैं, जिसमें बीज का काम करे, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है लगभग 2 करोड़ के आसपास, और इस पे भी 50% के हिसाब से 1 करोड़ तक का अनुदान का प्रावधान है किसान भाइयों के लिए। तो ये मुख्य नर्सरी से संबंधित जो विभाग की स्कीमें थी वो किसान भाइयों के लिए थी, जिसमें विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी स्कीम है MIDH जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है,
MIDH और ये सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से काफ़ी सहयोग किसान भाइयों को नर्सरी की जो तकनीक है उसमें दिया जा रहा है, ताकि जो हमारे दूसरे किसान भाई हैं उनको उच्च गुणवत्ता का, अच्छी गुणवत्ता का, बेहतर जैसे उनको प्योद मिले, जिसमें सब्जियों की भी आती है और फलदार पौधों की आती है, ताकि उनको अच्छी गुणवत्ता के पौधे मिले और वो अच्छी गुणवत्ता के पौधों के आधार पर अच्छा उत्पादन लें, जिससे उनकी इनकम बढ़े। उन्होंने बताया कि नर्सरी का व्यवसाय किसान भाइयों के लिए काफी अच्छा है, जिससे किसान खुशहाल बन जाता है। तो ये नर्सरी का जो व्यवसाय है, मैं कह सकता हूँ आज के दिन बहुत अच्छा व्यवसाय है किसान भाइयों को। ये किसान को बागवानी के साथ साथ एक उद्यमिता की तरफ लेके जाता है, जिसको हम कह सकते हैं एक व्यापार का एक बहुत अच्छा जरिया है। और ऐसे आज के दिन हमारे हरियाणा में बहुत अच्छे किसान हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में दो दो तीन तीन नर्सरियां जो आज चल रही हैं, जो कहीं पौधों अच्छी गुणवत्ता के फलदार पौधे तैयार कर रहे हैं, तो कहीं सब्जियों का काम, सब्जियों की नर्सरी, सब्जियों की प्योत तैयार करके एक अच्छा इनकम का जरिया बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भाई, जो सरकार का जो मुख्य ध्येय है भाई किसान की आमदन को डबल करना, तो ये बागवानी विभाग का, हमारे बागवानी विभाग का बहुत बड़ा एक मद कहूँगा मैं। यदि किसान को अपनी इनकम को थोड़ा सा बढ़ाना है तो नर्सरी का व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय है। वहीं डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि नर्सरी शुरू करने के लिए HTI करनाल में किसानों को फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो एक हफ्ते तक चलती है। प्रशिक्षण लेकर जैसे ट्रेनिंगों का विभाग में बहुत अच्छा, हमारा एकमात्र जैसे ट्रेनिंग सेंटर है उचाणी करनाल में, हरियाणा में, जो बहुत ही बेहतर गुणवत्ता की ट्रेनिंग किसान भाइयों के लिए, अधिकारियों के लिए वहाँ पर दी जाती है उचाणी करनाल में। वहाँ से सोमवार से शुक्रवार ट्रेनिंग चलती हैं, ट्रेनिंगें बिल्कुल फ्री होती हैं, आने जाने का, किराया तक, रहने का, खाने का किसान भाइयों को सुविधा मिलती है। हर पूरा साल ट्रेनिंगों का शेड्यूल चलता रहता है, टॉपिक वाइज हर जिले से किसानों के लिए संबंधित जो जिला उद्यान अधिकारी है उसके पास, जो हमारे संबंधित वहाँ के प्रधानाचार्य महोदय हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह, उनके द्वारा यहाँ पर मेल आ जाती है, भाई आपके जिले से दो किसान, एक किसान संबंधित कोर्स में ट्रेनिंग के लिए भेजो, तो यहाँ से हम भेजते हैं किसानों को और ट्रेनिंग लेते हैं। तो ऐसे ही नर्सरियों की ट्रेनिंग भी वहाँ चलती रहती है, नर्सरियों की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसी संदर्भ में जिला स्तर पर भी विभाग की टीम में खंड स्तर पर उद्यान विकास अधिकारी हैं, सुपरवाइजर हैं, माले हैं, जिला स्तर पर DHO हैं, ये सभी किसानों से समय समय पर मिलते रहते हैं, उनको फसलों संबंधी जानकारी भी देते रहते हैं। और उच्च गुणवत्ता की जैसे कोई भी किसी भी मध्य में, यदि किसान भाई बागवानी के मध्य में काम करना चाहता है, तो उसके कैंपों के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से उनको जानकारियां देते रहते हैं। हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं के तहत सब्सिडी लेने के लिए किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, जिसकी जानकारी जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने दी। सब्सिडी की बात करूं तो मैं सब्सिडी का बिल्कुल बहुत ही आसान और इजी आजकल विभाग का ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे मैंने बताया सभी स्कीमें हमारे डिपार्टमेंट की ऑनलाइन चलती हैं, और सभी स्कीमों में आज के दिन DBT के माध्यम से डायरेक्ट किसान के जो बैंक से संबंधित जो आधार बेस्ड जो अकाउंट है उसमें अनुदान का प्रावधान है, अनुदान दिया जाता है। तो इसमें विभाग का जो पोर्टल है खुशहाल बागवानी या ऑल्ट हरियाणा, जो हमारा पोर्टल है www.altrihana.gov.in पर जाकर, वहाँ पे नर्सरी का एक अलग से कंपोनेंट है, उस पर क्लिक करके नर्सरी के लिए जो भी जानकारियाँ वहाँ पे हैं उसके अनुसार किसान अपना फार्म वहाँ पे भर सकता है। और यदि कोई किसान को कोई समस्या आती है तो हमारे संबंधित जो खंड स्तर पर उद्यान विकास अधिकारी का कार्यालय है, हमारे जिला स्तर पर जो हमारा कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी का, वहाँ पे संपर्क करके उस स्कीम में जा सकता है। नर्सरी के साथ साथ जितनी भी स्कीमें चल रही हैं डिपार्टमेंट की, सभी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसान उस पर आवेदन कर सकता है। वो सारा का सारा आज के दिन RTS सर्विस में है, तो उसमें सबके लिए समय निर्धारित है, जैसे ही किसान आवेदन करता है उसके बाद संबंधित जो अधिकारी है वो अपने स्तर पर उसकी जांच प्रक्रिया करके अपने से ऊपर जैसे उसको फॉरवर्ड कर देता है, और ऐसे किसान को जो उसका लाभ है
वो दे दिया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल खुद सूबे के किसानों का भरपूर ख्याल रख रहे हैं, जिसका उद्देश्य प्रदेश के किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, जो पूरी तरह से सफल होता जा रहा है।